हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेलोसिटी एजुकेशन। मैं आलोक यादव और हम देख रहे हैं अपना चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्टूडेंट, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था माइक्रोब्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है ना, और माइक्रोब्स का हमारे हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में क्या रोल है, ठीक है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके के उसके यूजेस हमारे घरों पर होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा है। ओके, आज हम इसके आगे देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, है ना, कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनका इंडस्ट्रियल यूज़ या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में किस तरीके का उपयोग होता है, यूजेस होते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। ओके, है ना, वी ऑलरेडी लर्न इन, जब हम क्या देख रहे थे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, तो हमने देखा था कि बहुत सारे माइक्रोब्स थे, ठीक है, बहुत सारे क्या थे, माइक्रोब्स थे जिनका यूज़ हम क्या करते थे अपने डेली लाइफ में या फिर हाउस में करते थे। ठीक है, क्या करते थे, है ना, डेली लाइफ में या फिर हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बीच में हम क्या करते थे, करते थे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में, ठीक है, जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, है ना, लार्ज अमाउंट में हम इसको, अगर हमको क्या करना होता है, कुछ चीज़ों को प्रोडक्शन की हेल्प में के लिए क्या, किसका यूज़ करते हैं, कुछ माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स का, है ना, इवन बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स क्लियर होगा आपका, बिकॉज हमने पहले ही समझा है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंक्लूडेड है, ठीक है ना, ये हमने पहले ही देखा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन में जी माइक्रोब का बहुत रोल होता है, ठीक है, इस तरीके से बेवरेज, ठीक है, जो बेवरेज होते हैं या पेय पदार्थ जिसको हम ड्रिंकिंग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो ड्रिंकिंग मटेरियल्स होते हैं या ड्रिंक सब्सटेंस होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी या उनको बनाने में भी माइक्रोब्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, आगे समझेंगे डिटेल्स में। जनरेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर, इज इम्पॉर्टेंट, फर्मेंटर, है ना, फर्मेंटर, एक्चुअल में फर्मेंटर क्या होते हैं, माइक्रोब्स ही होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, माइक्रोब्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज़ को फर्मेंट करते हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एक तरीके का अपरेटस है जिसमें हम क्या करेंगे, फर्मेंटर का यूज़ करके फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। फर्मेंटेड बेवरेज, है ना, फर्मेंटेड बेवरेज देखते हैं क्या क्या होते हैं, है ना, बेवरेजेस, माइक्रोब स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज लाइक वाइन, विस्की, ब्रांडी एंड रम, है ना, ये सारे क्या होते हैं, बेवरेज होते हैं, ठीक है, मतलब पेय पदार्थ हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ या जिनका फॉर्मेशन या प्रोडक्शन किसकी हेल्प से किया जाता है, माइक्रोब्स या ईस्ट का, जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो क्यों होता है, आगे हम समझेंगे, बट इसमें अभी आपको क्या करना है, याद करके रखना है जो ईस्ट होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, बेवरेज लाइक वाइन, विस्की, ब्रांडी एंड रम के प्रोडक्शन में, ठीक है, ये जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है सेल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है, मेनली मार्केट में ईस्ट पाउडर के नाम से भी क्या होते हैं, सेल किए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे देख सकते हो ग्रेप्स है, ग्रेप्स वाइन, है ना, इस तरीके का डिफरेंट डिफरेंट बेवरेज मटेरियल्स जो होते हैं फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ये देख सकते हो। द सेम इज सैक्रोमाइसिस सीरेबेसी यूज फॉर ब्रेड मेकिंग, कॉमनली कॉल्ड ब्रेवर्स ईस्ट, ठीक है, ब्रेड जो बनाया जाता है इसके लिए भी, है ना, सैक्रोमाइसिस सीरेबेसी की स्पीसीज को यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेवर्स ईस्ट। इट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग मेल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल, है ना, ये क्या करते हैं, एथेनॉल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, मतलब जो सीरियल्स एंड जूस के फ्रूट के फर्मेंटर से क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे एथेनॉल में, है ना, जो कि क्या होता है, अल्कोहल है,
यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, मैंने पहले भी बोला कि ये क्या है, ईस्ट सेल है, ठीक है, क्या है, ईस्ट सेल है। और ये मार्केट में ईस्ट पाउडर या बेवर्स ईस्ट के नाम से भी क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। ये इसको क्या करता है, फर्मेंट करता है, सीरियल्स या फ्रूट्स को क्या करता है, फर्मेंट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको केमिकल फॉर्म में लिखोगे तो क्या होता है, ये CH3CH2OH, यही है, ठीक है, है ना। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यू मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेंड। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, है ना, विदाउट डिस्टिलेशन मतलब डायरेक्टली क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, डिस्टिले होते हैं, है ना, मतलब कि उनमें अलग से कुछ चीज़ों को ऐड नहीं करना पड़ता या वाटर क्वांटिटी को ऐड नहीं करना होता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन भी क्या होता है, ये फॉर्म होते हैं डायरेक्टली, है ना। विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ग्रोथ, है ना, देखो इससे ये फॉर्म किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में कि माइक्रोब्स का क्या रोल है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है। एंटीबायोटिक्स आपको क्लियर होगा, ये क्या होते हैं, ऐसे केमिकल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं या हमारी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो, दैट बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ, है ना, अगेंस्ट लाइफ। अब देखो अगेंस्ट लाइफ दैट मीन्स ये हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, है ना, किसके लाइफ के अगेंस्ट होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के, है ना, किसके, पैथोजन के, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स आप जानते हो मार्केट में भी अवेलेबल होता है, देखो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, पाउडर, इंजेक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब या पैथोजन, है ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब यानी कि पैथोजन, पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे डिजीज कॉज के लिए, ठीक है, या डिजीज के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। देख सकते हो यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी में यहाँ पे क्या बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज। वी आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, ये देख सकते हो नॉर्मल एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन। Who discovered penicillin? Okay, question भी आ गया यहाँ पे, किसने discovered किया, Alexander Fleming ने। Penicillin was the first antibiotic discovered, है ना, Penicillin जो है पहला antibiotic था जिसकी खोज किसने की थी, Alexander Fleming ने। Alexander Fleming while working on Staphylococci bacteria once absorbed a mold growing in one of his culture plate around which Staphylococci could not grow, है ना। Alexander Fleming क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा, जहाँ पे Staphylococci bacteria है ना, Staphylococci bacteria को क्या कर रहे थे, उस पर अपना वर्क कर रहे थे, है ना, उन्होंने क्या ऑब्जॉर्व किया कि मान चलो कि सपोज किसी भी चीज़ को ग्रो कराएंगे तो क्या करेंगे, कल्चर प्लेट पे कराते हैं, कल्चर प्लेट आपको पता होगा क्या होता है, पैट्री डिश, है ना, कल्चर प्लेट में क्या करते हैं, ग्रो करा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, Staphylococci की जगह पे क्या हुआ, कुछ वहाँ पे क्या हुआ, कुछ मोल्ड्स क्या हुए, ग्रो किए, ठीक है, क्या हुए, कुछ मोल्ड, मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ, क्या हुए, कुछ मोल्ड्स क्या हुए, ग्रो किए, है ना, ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट अराउंड विच Staphylococci कुड नॉट ग्रो, जहाँ पे क्या है Staphylococci बैक्टीरिया था वहाँ पे क्या हुए, ये ग्रो नहीं किए, है ना, दैट मीन्स ये क्या हुए, इसके अराउंड किए हुए, इसके लिए या तो इसके अगेंस्ट होंगे या इसके लिए रेजिस्ट होंगे। he found out that it was due to chemical produced by mold, है ना,
है ना, उन्होंने सॉरी बैक करेंगे यहाँ से फिर से, हमने क्या बोला, अलेक्जेंडर जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बार क्या करते थे अपना काम करता, उन्होंने क्या ऑब्जॉर्व किया कि जो स्टेफाइलोकोकिक बैक्टीरिया जो कल्चर प्लेट पर उन्होंने ग्रो करा रहा था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कुछ मोल्ड्स क्या किए ग्रो किए है ना, एंड इट्स मोल्ड के अराउंड या आसपास में क्या हुए, ये क्या हुआ स्टेफाइलोकोकिक ग्रो नहीं किए है ना, दैट मीन्स सिंपल सा मतलब होगा कि ये जो मोल्ड हैं उसके अगेंस्ट होंगे या फिर इसके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस बाई अ मोल्ड बाई द मोल्ड, ही नेम्ड इट एज पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, ये मोल्ड किसका था, पेनिसिलियम नोटेटम की स्पीसीज होती है जिसे पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ठीक है। ही वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन फॉर एस्टेब्लिश्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरेट, है ना, ये दोनों साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरेट। दिस एंटीबायोटिक्स वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी, है ना, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, ठीक है, गिव किया गया। After penicillin, several antibiotics, या several other antibiotics were also purified from other microbes, है ना, different microbes से क्या किया गया, different antibiotics create किए गए या search किए गए, ठीक है, जैसे streptomycin, याद रखेंगे ये, है ना, क्या है streptomycin, है ना, gentamicin, नियोमाइसिन, देखो ये डिफरेंट है ना, ये क्या है लिक्विड फॉर्म में, ये सेमी सॉलिड या सॉलिड, सॉरी ये क्या हो सकते हैं, इसको सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है, एंड ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, एंड ये लिक्विड या इंजेक्शन के फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज द प्लग, वूपिंग कॉफ, है ना, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी, ठीक है, नॉर्मल नेम भी याद रखेंगे, लेप्रोसी को हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, है ना, सो डिप्थीरिया, गलगोटू एंड वूपिंग कॉफ, काली खांसी, ठीक है, है ना, क्या होता है काली खांसी एंड प्लग, ठीक है, ये डिफरेंट डिजीज़ हैं, ये डेडली डिजीज़ हैं, इसके अलावा इनका जो रेट होता है या ट्रांस क्या बोलते हैं इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होता है, इसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है ना, इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं अपना रोल प्ले करते हैं एंटीबायोटिक्स, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसमें से कोई से भी डिजीज आपको पता होगा तो ये क्या है वूपिंग कफ हो गया, ये क्या है लेप्रोसी, है ना, एंड ये क्या होता है डिप्थीरिया का सिम्टम्स तो पता नहीं, एंड ये देख सकते हो, है ना। टूडे वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स बिकॉज, है ना, हमारी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है धीरे धीरे क्या होती जाती है डाउन हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है वो कभी कभी क्या होता है इन सम टाइम्स कुछ लोगों में आप देखोगे कि जो दवाइयाँ होती असर नहीं करती है, तो वो क्या होता है कि बॉडी भी क्या होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है ना, है ना। वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, chemicals, enzymes and other bioactive molecules, देखते हैं इसको, microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcohols and enzymes, है ना, इन सब के production में भी जो microbes होते हैं, है ना, microbes होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा role होता है इन सब के भी production में, ठीक है। For example, examples of acid producers are, है ना, कुछ acid producers हैं, देख सकते हैं, name of organism and types of microbes and
प्रोडक्ट्स कि क्या प्रोडक्ट्स उसे फॉर्म होता है। फर्स्ट क्या है, एस्पर्जिलस नाइगर है ना। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स क्या होता है, ये क्या होते हैं फंगस है, याद रखेंगे एस्पर्जिलस नाइगर जो क्या है एक फंगस स्पीसीज है, फंगस माइक्रोब है। किसका प्रोडक्शन करता है, सिट्रिक एसिड का। किसका प्रोडक्शन करता है, सिट्रिक एसिड का। मे बी आपको ये पता होगा सिट्रिक एसिड किसमें होता है ना, जो खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे नींबू हो गया या सिट्रस फैमिली ना, नींबू और लेमन तो वही होता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया है ना, ये सब में क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी, ये बैक्टीरियम होते हैं और ये किसका प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या किससे, इससे एसिटिक एसिड जो प्रोडक्ट है वो मिलता है हमको। नेक्स्ट देखते हैं क्लस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, ये क्या होता है, ये भी बैक्टीरियम स्पीसीज है, ब्यूट्रिक एसिड का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम है और ये क्या करते हैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लैक्टोबैसिलस इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी आया है बाद में भी आएगा। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सीरेबिएसी इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, है ना। ईस्ट का जो प्रोडक्शन है वो एथेनॉल प्रोडक्शन में किया जाता है। एथेनॉल को आप डायरेक्टली बोल सकते हो अल्कोहल, ठीक है, क्या है अल्कोहल, ये ईस्ट सेल है ना, और ये क्या है एथेनॉल या अल्कोहल। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, है ना। एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है या यूज़ किया जाता है। डिफरेंट एंजाइम्स जो है माइक्रोब्स के हेल्प से प्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, जैसे लाइपेज एंजाइम, लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स इन लॉन्ड्रीज। ठीक है, जो लाइपेज होता है वो किसमें हेल्प करता है, बिकॉज ये क्या करेगा, जैसे देखो ऑयल डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन है, ठीक है, डिटर्जेंट का यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्लॉथ में जो स्टेन होता है, ठीक है, टैन या फिर ऑयल स्टेन्स अगर क्या होता है कलेक्ट हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में उसमें क्या होता है, लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जस्ट देख सकते हो। बॉटल्ड फ्रूट जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। ठीक है, ये जो एंजाइम्स है याद रखेंगे, अभी तक ये थर्ड सेकेंड है ना, लाइपेज के बाद पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, जो बॉटल्ड फ्रूट होते हैं उनके क्लैरिफाइड के लिए, क्या क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये बॉटल्ड फ्रूट या जूस मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं उनके कैलोरीफिकेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस का। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, किससे प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस से। इट इज़ यूज एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे क्या बोला, यूज़ एज अ क्लॉट बस्टर, है ना, क्लॉट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखो अगर क्या हो रहा है, अगर ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट है, जो ब्लड है अगर क्लॉट हो गया है ना, तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है किसके लिए, हार्ट अटैक के लिए। ठीक है, बिकॉज जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसके लिए ये हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्लॉट के रिमूवल के लिए। ठीक है, अनदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ठीक है, एज अ, इसका यूज कैसे करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाई फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा फंगस नेम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से इसको क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और इसका यूज़ क्या किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय में इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में या रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टैटिन्स प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनोकोकस परपेरिस
है ना, मोनोकोकस परपेरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट, ठीक है, स्टैटिन है ना, जो कि किससे प्रोड्यूस किया जाता है, ईस्ट की स्पीसीज मोनोकस परपेरियस, ठीक है, क्या है मोनोकस परपेरियस है ना, इसका जो कमर्शियलाइज्ड यूज किस में किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट के रूप में, है ना, ब्लड वगैरह में कोलेस्ट्रॉल जब हाई हो जाता है तो आप देखोगे कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीपी एंड लीड करता है हार्ट अटैक को, ठीक है। तो जो स्टैटिन्स जो प्रोड्यूस किया जाता है ईस्ट के थ्रू, इसका यूज किस में किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है। स्टैटिन्स एक्ट एज कंपेटिटिव है ना, कंपेटिटिव इनहिबिटर फॉर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, है ना, स्टैटिन्स जो होता है वो क्या करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करता है, इनहिबिट करता है, बिकॉज ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज करते हैं, उनको क्या करता है, इनहिबिट करता है, ओके ओके। देन इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट, द लार्ज वेसल्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, क्या होता है, इनक्यूबेटर, फर्मेंटर, ऑटोक्लेव, क्या होते हैं, फर्मेंटर्स। सेकेंड इज ब्रूवर्स ईस्ट इज अ लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम है ना, क्रैसोगिनम एंड साइक्रोमाइसिस सेरेबियेसी, क्या होता है, साइक्रोमाइसिस सेरेबियेसी। थर्ड इज हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ओके। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीवेज, सीवेज इज अ अनट्रीटेड वाटर विच इज डिस्चार्ज फ्रॉम अवर हाउसहोल्ड हाउस सिटीज है ना, ड्रेन्स है ना, इनसे जो वाटर डिस्चार्ज होता है या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड से ये जो वाटर होता है जो क्या होता है, इम्प्योर वाटर हो सकता है या पोल्यूटेड वाटर हो सकता है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स्ड हो सकती है, ठीक है, वो क्या है, सीवेज है, ठीक है, क्या है। अब इसके ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है उसको देखते हैं। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स, है ना, वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर है ना इन सिटीज, ओके, इन सिटीज, सिटीज एंड टाउन्स, आप देखोगे कि डेली या एवरी डे हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर क्या करते हैं, वेस्ट। वेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर फेंक रहे हो उसको ना। अब आपने क्या किया, उस वाटर को आपने क्या किया, अब सपोज आप क्या कर रहे हो, बाथरूम के लिए जा रहे हो, बाथरूम में आप बात किए है ना, जो वाटर आपने बात किया वो सॉप के साथ या डिटर्जेंट के साथ मिक्स होकर के कहाँ पे जाएगा, ड्रेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं मिक्स होगा या रिलीज होगा, तो वो क्या आएगा, वो क्या है, एक तरीके से सीवेज है या अनट्रीटेड, मतलब इम्प्योर वाटर है, ठीक है ना, देख सकते हो, ये ड्रेन से नॉर्मल सा, ये टाउन से सिटीज से कहीं ना कहीं से आकर के कहाँ पे मिलते हैं, लार्ज रिवर्स पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दीज वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीट होता है या ह्यूमंस के जो वेस्टेज होते हैं वही उस पर मिक्सड होते हैं, है ना। म्यूनसिपल वेस्ट वाटर ऑल्सो कॉल्ड सीवेज, है ना, म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज बिकॉज इट इज ऑल्सो अर अनट्रीटेड वाटर और पोल्यूटेड वाटर। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, है ना, बिकॉज वाटर बॉर्न डिजीज वाटरबॉर्न डिजीज होती हैं इसी तरीके के अनट्रीटेड वाटर या सीवेज वाटर की वजह से ही होती हैं, ठीक है, किसकी वजह से होती हैं, अनट्रीटेड वाटर या सीवेज वाटर की वजह से ही होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो वाटर पे ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, अपना पैथोजेनिक इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में नॉन ऑर्गेनिक मैटर्स या माइक्रोब्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज कॉज, है ना, है ना, दे आर इन अ पैथोजेनिक नेचर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक नेचर को होते हैं जो माइक्रोब्स कंटेन, मतलब मोस्टली, सभी नहीं करते बट मोस्टली होते हैं, है ना, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये डिफरेंट ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो वाटर पे प्रेजेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिजीज के लिए, ठीक है, ओके। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, दैट
इसका हम ट्रीटमेंट कहाँ पे करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, है ना। ट्रीटमेंट का मतलब हम क्या करेंगे, जो उसमें से कुछ इम्प्यूरिटीज होंगी उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे एंड डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। देखो अभी देखो, ये इमेज देख के ही समझ गया होगा कि ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया को रिक्वायर करता है। ठीक है, क्या करता है, इसमें एक बहुत बड़े लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड होता भी है बिकॉज वाटर इज अवर लाइफ लाइन, है ना, बोल सकते हैं, है ना, है ना। ओनली फॉरेस्ट ही बस हमारी लाइफ लाइन नहीं है, वाटर भी है। ठीक है, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर इज डन बाई हाइड्रोफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। ठीक है, है ना, जो माइक्रोब्स होता है, जो नेचुरली प्रेजेंट होता है सीवेज में, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इसका याद रखेंगे नाम हाइड्रोफिक माइक्रोब। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस। फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करेंगे देखते हैं। द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, यू कैन ट्राई एट योर होम, है ना। आप क्या करोगे, इस प्रोसेस को आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप क्या लोगे, एक इम्प्योर वाटर लोगे, सीवेज वाटर लोगे। ठीक है, मतलब गंदा पानी, इसमें क्या करोगे, वीकर प्लस कॉनिकल के अंदर में क्या करोगे, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर में या फनल को लेकर के उसमें क्या करोगे, एक फिल्टर पेपर रखोगे। देन उसके ऊपर में वीकर पे लेकर के सैंड, है ना, यहाँ पे हमने क्या डाला, सैंड और कुछ रॉक पार्टिकल्स, जिससे क्या हो, जो लार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं यहीं पे क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। ठीक है, देन आप देखोगे कि ये जो वाटर है, है ना, ये जो वाटर है, यहाँ से देखो, इस वाटर को देखो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड एंड गंदा दिख रहा है, ये थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, ये और क्लीन, बिकॉज हमने इसको क्या किया, फिल्टर किया, है ना, क्या किया, फिल्टर एंड सेडिमेंटेशन किया। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट फिजिकल रिमूवल, है ना, फिजिकल रिमूवल मतलब कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो उसमें लार्ज होंगे, ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम ऐसे फिल्टर कर सकते हैं, छन्ने के जैसा छान सकते हैं, है ना। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो सारी चीज़ें वहाँ से सेपरेट की जाएंगी जो इसमें से क्या होंगे, अनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, जो उसमें अनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, वाटर में जितनी भी चीज़ें अनसॉल्युबल फॉर्म में हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, यहाँ से ड्यू टू फिल्ट्रेशन या ड्यू टू सेडिमेंटेशन यहाँ से सेपरेट कर ली जाएंगे। ठीक है, है ना। ठीक है, देख सकते हो, वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। ठीक है, अगर वाटर में इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं तो उसको हम फिजिकल मैथड से या फिजिकल रिमूवल मैथड से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बट जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं उसको एक अलग तरीके से उसको रिलीज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्युबल पार्टिकल्स थे, उसमें वाटर को सिंपल शांत कंडीशन में रख दोगे रेस्टिंग स्टेज में, तो जो उसमें इम्प्यूरिटीज होंगी वो क्या होंगे, उसके सर्फेस पर क्या होंगे, बैठ जाएंगे या फॉल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, है ना, फिट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, देन हम उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्लियर वाटर एंड इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज को ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल आप देखोगे कुछ भी चीज़ें, सपोज आपके घर पे आपकी मम्मी अगर क्या कर रही है, कुछ चीज़ों को क्या कर रही है, वॉश कर रही है, धो रही है। ठीक है, जब तक पानी हिलता रहेगा तो पानी गंदा दिखेगा, आप रखने के बाद देखोगे तो इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं, उसके सरफेस पे या बेस पे क्या होती हैं, बैठ जाती है। ठीक है, या नीचे हो जाती है, तो आप देखोगे ऊपर का पानी साफ दिखेगा, या फिर सिंपल सा एग्जांपल इसका आप देखोगे, नदी वगैरह में या जहाँ पे पानी ठहरा हुआ हो, है ना, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ हो या रुका रेस्टिंग स्टेज में हो, वहाँ पे देखोगे कुछ चीज़ें होंगी, कीड़ा चल गया तो पानी गंदा हो जाएगा, देन थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा, तो इस टाइप का होता है। ठीक है, दिस पार्टिकल्स आर रिमूव्ड इन स्टेज वाइज मैनर, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, है ना। ये क्या होता है, एक स्टेप वाइज मैनर में किया जाता है। फर्स्ट में हमने क्या किया, कुछ फ्लोटिंग जो सब्सटेंसेस होंगे या इम्प्यूरिटीज़ होंगे उसको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से कलेक्ट कर सकते हैं या किसी नेट के थ्रू इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग स्टेज यहाँ पे देख सकते हो, इन फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक, है ना, वॉश टैंक स्टोरेज, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्लीन वॉश एंड वॉश ड्रेन। ठीक है, पार्टिकल्स फ्री। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके का क्या है, फिल्ट्रेशन लगा हुआ है। ठीक है, क्या है, फिल्ट्रेशन लगा हुआ है। ठीक, अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे, यहीं पे कलेक्ट होंगे, क्या होंगे, यहीं पे कलेक्ट होंगे। ठीक है,
देन यहाँ पे क्या है देखो, वॉश ड्रेन्स, ठीक है, ये क्या है, वॉश ड्रेन्स है, और ये फिल्ट्रेशन, यहाँ से जो वाटर कलेक्ट होगा वो हमको क्या मिलेगा, पार्टिकल फ्री वाटर वेल, ठीक है, एंड देन आउट टू डिस इन्फेक्शन, ठीक है, ये हमको डिस इन्फेक्शन वाटर यहाँ से मिल सकता है ना। देन द ग्रिट, द ग्रिट है ना, ग्रिट इज कंटेन सॉइल एंड स्मॉल पबल्स, है ना, ग्रिट इज कंटेन सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स इज रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। ऑल सॉल्यूट दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंट, है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी सेटल टैंक है, यहाँ पे जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सीवेज में क्या होंगे, यहाँ से कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, इसके बेस सरफेस पे क्या होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। देन अगर हम इसको रिलीज़ करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, स्लज, प्राइमरी स्लज में कलेक्ट हो जाएगा। देन ये जो सेटल सीवेज है इसको हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जो वाटर है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है ना, सस्पेंशन एंड सेडिमेंट। The effluent from the primary setting tank is taken into secondary treatment plant या STP. अब हम इसको क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटेड प्लांट में, यहाँ से क्या, इतना जो वाटर होगा थोड़ा सा साफ होगा, इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड STP में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, इट इज़ अ प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हो इन्फ्लुएंट जो था, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसको एंट्रेंस दिया, ठीक है, एंट्रेंस होगा तो एंट्रेंस होने के बाद जो इम्प्यूटीज होगी, एनॉक्सिक सेकेंड है ना, इसको क्या किया जाएगा, ड्रेन करा जाएगा, ठीक है, क्या करा जाएगा, ड्रेन किया जाएगा, ठीक। देन इसको हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वली यहाँ से क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने के बाद एरेशन एरेंशन से जो क्लैरिफाइड वाटर होगा वो कहाँ पे कनेक्ट जाएगा, एरोबिक डाइजेस्टर, है ना, एरोबिक डाइजेस्टर जो होते हैं वो इसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उनको डाइजेस्ट कर देंगे। देन इसको सेंड करेंगे हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो स्लज है ना, यहाँ पे जो स्लज है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्लज को स्टोर किया जाएगा, एंड यहाँ से जो बीड्स मिलेंगे उसको हम ड्रेनेज करके रिमूव कर सकते हैं। देन इस वाटर को, जो ये वाटर हमको क्या मिलेगा, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, लैंड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इरिग्रेशन वगैरह में या दूसरे अदर एक्टिविटीज़ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना, नेक्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वाई वी आर कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इट इज़ वेरी सिंपल, दैट मीन्स इस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ बायोलॉजिकल यानी कि कुछ माइक्रोब्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, कुछ माइक्रोब्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज ये क्या करेंगे, जो सोल्यूबल इम्प्यूटीज़ हैं वाटर में, सोल्यूबल इम्प्यूटीज़ हैं उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। द प्राइमरी इन्फ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स वेयर इट इज कंस्टेंटली, है ना, एजिटेट मैकेनिकली एंड एयर पम्प्ड इनटू इट, है ना, ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से देख सकते हो ये स्लज यहाँ से कंटेन हो रहा है, देन हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ये इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। दिस अलाउ वेगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक, एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, है ना, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर, है ना, है ना, कुछ माइसिलियम जो होंगे वो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे, है ना। वाइल ग्रोइंग दीज एरोबिक माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स टू इन द फोलिएंट, सॉरी इन्फ्लुएंट, जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज देखो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो ह्यूमन्स एक्टिविटी के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं या एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अपने ग्रोइंग के लिए क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे एज अ न्यूट्रिएंट मटेरियल, ठीक है। तो अगर यूज़ करेंगे दैट मीन्स वाटर से क्या करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, है ना, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है, ये माइक्रोब्स है, ठीक है, माइक्रोब्स मैस लाइक स्ट्रक्चर या माइसिलियम लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या करेंगे, ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इन्फ्लुएंट, है ना, बीओडी को क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन के रेशियो को उसमें बढ़ाएंगे ना वो, ठीक है। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड,
है ना, वाटर की जो बीओडी अगर क्या होगी कम हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी, तो मतलब दैट मीन्स ये वाटर क्या हो गया, ट्रीटेड हो गया है ना, देख सकते हो। BOD refer to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matters in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of organic matter present in water, because अगर जो मैटर्स उसमें प्रेजेंट होंगे उसी की वजह से जो उसकी क्या होगी डिमांड्स होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। इफ दैट मीन्स अगर बायोलॉजिक मतलब कि वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड्स ज़्यादा है या ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होंगे, और ऑक्सीजन की कमी यदि सॉरी ऑक्सीजन की डिमांड अगर कम है या रिड्यूस हो चुकी है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स उसमें कम है ना, मतलब वो प्योर होगा। Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into settled tank where a bacterial flock are allowed to sediment. है ना, when BOD is reduced, we can transfer this water in a second settled tank. है ना, सेकेंड सेटलिंग टैंक में अगर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक स्प्रेड एफ्लुएंट पिक्स ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज इसके बीओडी को भी हमने क्या किया, रिड्यूस किया, एफ्लुएंट आउट एंड रॉक्स, रॉक्स का मतलब यहाँ पे रॉक्स सब्सटेंसेस होंगे, या बहुत सिंपल हुआ तो सैंड्स होगा, ठीक है, सैंड मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सैंड सब्सटेंसेस, जिससे क्या हो वाटर को सेडिमेंटेशन किया जा सके। This sediments is called activated sludge, है ना, effluent out, and ये जो sludge मिलेगा हम इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। The greater BOD of waste water is more it is polluting potential, है ना, the greater the BOD of waste water, the more it is polluting potential. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculum. है ना, देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज टैंक, फाइनल सेडिमेंटेशन, है ना। देखो हमको क्या मिला, सेकेंड स्टेप से एक्टिवेटेड स्लज मिला, ठीक है। देन इसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेटेड स्लज को ही क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे लास्ट क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस करेंगे। सेडिमेंटेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, क्लीन हो सकता है, ठीक है, जो इम्प्यूरिटीज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, दैट यहाँ पे क्या होंगे, जो एक्सेस स्लज होगा वो क्या होगा, फॉल डाउन होगा या कलेक्ट हो जाएगा। एक्सेस स्लज को हम यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं एंड अगेन रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ से जो एक्सेस स्लज हुआ उसमें डालें एंड वाटर को हम यहाँ से क्या करेंगे, आउटपुट में लेंगे। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, है ना, बिकॉज ये जितने भी चीज़ें यहाँ से हमको मिलेंगी हम उसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे, मैन्योर के फॉर्म में, है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेजर पार्ट ऑफ द स्लज जो कि हमको क्या से मिला, टैंक से, जो हम टैंक से क्या की कलेक्ट किया, बिकॉज उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। देन यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ डाइजेस्टर यानी कि माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स ही हैं ये, ठीक है, क्या है, माइक्रोब्स का यूज़ करके उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करा के थोड़ी सी क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव स्लज टू ड्राइंग बेड्स, हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द एरोबिक बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इस टाइप के जो गैसेस होंगे वो क्या होंगे, रिलीज होंगे, रिलीज करेंगे तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो पोल्यूटिंग है बट इसका यूज हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं, है ना, H2S, ठीक है, मीथेन गैस का यूज़ बर्निंग में कर सकते हैं, हाउस होल्ड में क्या करते हैं, खाना पीना बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मतलब कि कुकिंग वगैरह के लिए जो गैसेस यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, मीथेन ही होता है ना। दीज गैसेस फ्रॉम बायोगैस विच कैन यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ इनफ्लेमेबल, है ना, वेस्ट एंड वेस्ट से हमको क्या मिला, बायोगैस भी मिला जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। The effluent from the secondary treatment plants is generally released into natural water bodies like rivers and stream, because अब ये क्या हो गया, treated water हो गया, ठीक है ना। देन इसको हम क्या करेंगे, water bodies में या rivers में या इसको क्या करेंगे, release कर देंगे, ठीक है।
माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज है ना दिस जस्ट बिकॉज ऑफ अगर हम क्या कर रहे हैं इस सीवेज को डायरेक्टली रिलीज करेंगे वाटर में है ना वाटर बॉडीज में या रिवर्स में तो एक्चुअल में क्या करता है उस वाटर को भी ये क्या करेंगे पोल्यूट करेंगे सो इट इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर रिलीजिंग दैम उसको हम क्या करें पहले ट्रीट करें ठीक है ट्रीट मतलब उसको थोड़ा सा प्योर करें ठीक है दिस मैथडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर दैन अ सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड However, the number of sewage treated plant has no increase enough to treat such large quantities. So the untreated sewage is often discharged directly into the rivers, leading to their pollution and increasing the waterborne disease. है ना Because अगर हम क्या कर रहे हैं इसकी quantities और treatment STP की जो numbers increase नहीं हुए ना तो जो ट्रीटेड अनट्रीटेड वाटर है हम उसको क्या कर रहे हैं डायरेक्टली रिचार्ज कर रही हैं डिस्चार्ज कर रहे हैं रिवर्स में जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन और वाटर बॉर्न डिजीज जैसे केसेस क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड द गंगा एक्शन प्लान एंड द यमुना एक्शन प्लान टू सेव द मेजर रिवर्स ऑफ द अवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन है ना इन 2016 अप्रॉक्स मुझे करेंट याद नहीं है बट मे बी इट इज़ 2016 है ना गंगा एक्शन प्लान जो है अप्लाई किया गया था ठीक है ऐसे जो गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान है ना जो मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री है ठीक है जो पोल्यूटेड हैं उनको क्लीन करने के लिए अंडर दीज प्लान इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज मे बी डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स Microbes can be used to remove toxic substances that are accidentally released into the environment such as oil or chemical spills and land contaminated with toxic waste. है ना इसके लिए भी क्या होते हैं यूज़ किया जाता है ठीक है दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोरिमेडिएशन बायोरिमेडिएशन क्या है जो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सीडेंटली रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं ठीक है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे बायोरिमेडिएशन के प्रोसेस को किया जाता है ठीक है जो क्या करते हैं माइक्रोब्स इसको कंडक्ट करते हैं ठीक है देख सकते हो है ना ओके इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है देखते हैं म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज क्या था सीवेज इज ट्रीटेड इन वाटर प्लांट्स रिवर्स बैंक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसमें होते हैं एसटीपी में The sewage water is treated till it is reduced temperature BOD, salinity, density BOD. Okay, hope आपको ये chapter अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है Then अभी आज के लिए इतना ही है ना इसको अच्छे से रिवाइज करिए है ना नोट्स को कंप्लीट करते चलेंगे ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू